अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं फिर से आया हूँ मरल फिश का शिकार करने, स्नेक हेड का। हम आए हैं सुबह लगभग 6 बजे आए हैं, क्योंकि स्पॉट अपना काफ़ी लंबा है, लगभग 60-70 किलोमीटर आना पड़ता है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2 घंटे के आसपास, अंदर भी है। तो इसके लिए स्पॉट में पहुँचने में टाइम हो गया दोस्तों, और आप देख सकते हैं सूरज निकल चुका है, ऊपर जा चुका है। मैं जल्दी से शिकार करता हूँ, क्या लगता है अपने को आज कैसा किस्मत रहता है दोस्तों। आप दुआ करो रोज़ा लगने से पहले कुछ बेहतरीन शिकार लग जाए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और शिकार देखें कैसा लगता है अपने को, फिर इंशाल्लाह आपको जानकारी देंगे। मेंढके का क्या हाल किया देखो दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं ये लुकाना का मुल्लर फ्रॉग है, और नोवा 65 भी आता है ऐसा ही डिजाइन में और कलर में दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसमें, और अच्छा खासा इसमें शिकार हो जाता है, अटैक ज़्यादा होता है दोस्तों। तो देखते हैं और क्या अपने को शिकार लगता है, वीडियो में बने रहें। चलो देखते हैं, वही पट्टे पर अपने 2 ठो लगा, उधर ही जाते हैं। दोस्तों ये अपने को पहला धड़का यहाँ पे लगा है दोस्तों, और अपने साथी लोग का भी लगा है, भाई लोग का भी। तो देखते हैं क्या लगता है शिकार। और दोस्तों अभी शुरुआत धड़के से हुआ है, ये लगभग 1.25 किलो का है, 1 किलो से कुछ कम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरा नंबर लग ही गया इंशाल्लाह। दोस्तों ये अपने को 10 मिनट के बाद ही लग गया अपने को दूसरा धड़का, ये भी 1.25 किलो का ही साइज का है, वही साइज का। तो देखते हैं और क्या अपने को लगता है। मिट्टी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक है, इसके लिए चप्पल जूता कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे,
खाली पैर ही शिकार करना पड़ रहा है दोस्तों। अरे भैया कैसा करता रे, छोड़ दिया यार। तो मैं गया यार, कितना टाइम दिया मैं? उठे हुए है ना, बहुत बड़ा नक था ना, जबकि मैं साला टाइम अच्छा खासा दिया यार, 1 किलो का नक था वो। आओ ना साला, छोटा कैसे यार, तो दोस्तों आज हम आए थे मरल का शिकार करने और काफी बेहतरीन शिकार हुआ दोस्तों। 5 धड़के और मरल मिला के लगा दोस्तों, तो काफी बेहतरीन शिकार रहा। मगर दोस्तों क्या हुआ कि थोड़ा लेट से आना हुआ और थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तप रही है दोस्तों और रोजे में हालत ख़राब हो रहा है, इसीलिए हम लोग घर को निकलते दोस्तों। इससे पहले कुछ आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों जो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोड अपने को कैसा लेना चाहिए, रील अपने को कैसा लेना चाहिए, यानी सेटअप अपने को कैसा लेना चाहिए दोस्तों। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी डाइवा कंपनी का डाइवा डीवे मॉडल है दोस्तों 8 फीट में, और रील भी डाइवा कंपनी का दोस्तों डाइवा RX LT। इसका बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्या क्या खूबी है वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं डाइवा डीवे RX LT C मॉडल है दोस्तों। ये लॉन्ग कास्ट होता है, काफ़ी लंबा जाता है फेंकते समय, और इस पर दोस्तों 12 kg का ड्रैक है दोस्तों इस रील में, और 2 बॉल बेयरिंग भी है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों, बहुत अच्छा घाई मारने में भी लगता है, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है दोस्तों। आप इस रील को इस्तेमाल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसका प्राइस लगभग 2400 के आसपास में होता है दोस्तों। और दोस्तों धागा लाइन अपने पास एटेक्स का है, वो मैं फ़ोटो यहाँ पर आपको डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा कि कौन सा कंपनी का है, और ये काफ़ी मजबूत है। और आपको धागा दोस्तों 28 mm 30 mm ही लेना है मरल के लिए, क्योंकि लॉन्ग कास्ट अगर आपको चाहिए तो आपको 28 mm काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों रोड रील और लाइन के बारे में दोस्तों। फ्रॉग आप लुकाना कंपनी का मुल्लर फ्रॉग, बुल फ्रॉग, नोवा 65, लुकाना मम्बा, बहुत ऐसा मॉडल है दोस्तों, आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दूसरी जानकारी जो आपके लिए बेहतरीन रहेगी दोस्तों, कि मरल छूटता कैसे है ज़्यादा,
और घाई कैसे मारना चाहिए, कब घाई मारना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल में नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें हमेशा के लिए, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी अगर आप नए शिकारी हैं तो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।